आज हम बनाएंगे बघारा खाना। ये बहुत ही राइस डिश है, सिंपल और बहुत ही यम्मी। अगर आप डेली डेली प्लेन राइस बनाते बनाते बोर हो गए हैं तो ट्राई कर सकते हैं ये प्लेन राइस पुलाव। इसके लिए मैंने यहाँ पर बासमती राइस 15 मिनट्स के लिए भिगने रख दिया है। ये ऑलमोस्ट हाफ के जी है। एक मीडियम साइज़ प्याज और हरा मसाला चाहिए हमें। हरी मिर्ची, कुतमेर, पुदीना मैंने एक जगह ले लिया है और साबित गरम मसाला चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कुकिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं बघारा खाना। इसके लिए मैं ऐड करूँगी पहले पानी थोड़ा सूखने पर, प्याज, 1 बिग अनियन हमें चाहिए यहाँ पर। इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल। इसमें ऑयल थोड़ा अच्छा सा लगता है, 4 टेबल स्पून डाल सकते हैं आप या 3 टेबल स्पून भी। अगर आप क्वांटिटी कम बना रहे हैं तो कम डाल दें। बघारा खाने में 2 टेक्सचर होते हैं। अगर आपको लाइट कलर का पसंद है तो प्याज को हमें ज़्यादा नहीं ब्राउन करना पड़ेगा। अगर बस कोई लोग पसंद करते हैं थोड़ा डार्क टेक्सचर बघारे खाने का, तो आप इसके लिए आपको चाहिए कि प्याज अच्छे से डार्क ब्राउन, ऑलमोस्ट एकदम ब्लैक से जैसी हो जाती है प्याज। जितना ज़्यादा प्याज आपकी अदरक लहसुन जितना पकेगा, जितना डार्क कलर होगा उतना ज़्यादा आपके खाने का यानी आपके राइस का कलर चेंज होगा। मैं प्रेफर करती हूँ मीडियम। देखिए अगर आपको नॉर्मल बनाना है मीडियम साइज का तो देखिए कैसे बनाते हैं। इसमें ऐड करेंगे हम साबुत गरम मसाला, दालचीनी, इलायची 3, थोड़ा सा शाहजीरा। इसमें मैं डालूंगी हरी मिर्ची 4। आप चाहे तो इसे बीच में से फ्लिप करके भी डाल सकते हैं और हम इसे थोड़ा प्याज होने पर हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, वेरी इम्पोर्टेंट। देखिए प्याज साइडों से ब्राउन हो रही है। मैं फ्लेम मीडियम पे रखूंगी और मैं ऐड करूंगी 1/2 kg के लिए 1 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। हम इसे अच्छे से पकने देंगे, प्याज को अच्छे से भूनने वाली चीज़ को अच्छा अच्छा डार्क कलर होने तक मिक्स करते हैं। इसे क्या अच्छी खुशबू आती है जब हम ऐड करते हैं साबुत गरम मसाला, बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। जब तक कि प्याज अच्छे से डार्क ब्राउन ना हो जाए पानी में ऐड नहीं करूंगी। इसी के बाद मैं पानी, नमक और हम इसमें ऐड करेंगे हरा मसाला। होने दीजिए प्याज को अच्छे से। प्याज का कलर चेंज होते जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ये ब्राउन डार्क ब्राउन होते जा रही है। जितना आपकी प्याज ब्राउन होगी उतना आपका पुलाव का कलर रिफ्लेक्ट करेगा पुलाव के कलर पर, उतना ही वो डार्क होगा। तो डिपेंड्स ऑन यू, अगर आपको लाइट पसंद है तो लाइट करने पर ही आप पानी डाल दें ताकि और डार्क ना हो जाए। चलिए अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। पानी याद रखिए हमेशा 1.5 होता है अगर आप उसे मेजर कर लें, क्योंकि पानी हमें इसी में सुखाना है। राइस में ही ये पानी सूख जाएगा, हमें इसे ड्रेन नहीं करना है, स्ट्रेन नहीं करना है पानी को। तो पानी आप पहले कम ही डालिए आपके हिसाब से। फिर अगर आपको ऐसा लगे कि चावल थोड़ा कच्चा है तब हम ऐड कर सकते हैं। समझिए अगर आप इतना ले रहे हैं राइस किसी बोल में तो उसके और थोड़ा हाफ हिस्सा यानी 1/3 पानी चाहिए पानी का पोर्शन। अब मैं इसमें ऐड करूँगी
हरा धनिया, कोथमीर और पुदीना मैंने लिया है यहाँ पर, आप चाहे तो बारीक चॉप करके डालें इसे। और मैं इसमें ऐड करूँगी सॉल्ट, फ्लेम मैं फुल कर रही हूँ ताकि हमें इसे बॉईल आने देना है। सॉल्ट मैं ऐड करूँगी 1 teaspoonful फॉर हाफ ऑफ हाफ के जी ऑफ राइस। पानी और लगेगा तो मैंने ऐड कर दिया है। इसे बॉईल आने देते हैं, बॉईल आने के बाद हम इसमें राइस ऐड करेंगे। कवर करिए और बॉईल आने तक वेट करेंगे। देखिए बॉईल आ रहा है अच्छे से पानी में। अब हम इसमें ऐड करेंगे बासमती राइस। एक चीज़ याद रखें, बासमती राइस को हमें ज़्यादा नहीं देर भिगा के रखना है, 15 मिनट्स बहुत हो गए हैं लगा कर ना, वरना ये टूट जाता है, चावल टूट जाता है। चावल को टूटने नहीं देना है हमें। हम इसमें ऐड करेंगे राइस। करेंगे वापस, मैं इसे कवर कर दूंगी तकरीबन 5 मिनट्स। फिर फ्लेम पे मैं इसे कवर करके बनाऊंगी, फिर मीडियम फ्लेम करेंगे एंड फिर हम इसे लो फ्लेम पर बनाएंगे 5 मिनट्स और हाई फ्लेम। चावल अच्छे कच्चे हैं अभी, अभी हम इन्हें 5 मिनट्स मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। 5 मिनट्स ऑन मीडियम फ्लेम। ये देखते हैं इसे, चावल अभी थोड़ा पकना है हमारा, पानी है इसमें। हम अब हम इसे लो फ्लेम पर 10 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये गले भी ना और अच्छे दाना दाना अलग अलग हो जाए। लो फ्लेम, एकदम लो फ्लेम। ये लो फ्लेम पर 10 मिनट तक मैं इसे पकाऊंगी, फिर आपको बताऊंगी। ये देखिए रेडी हो गया है बघारा खाना, प्लेन हैदराबादी पुलाव भी कह सकते हैं आप इसे। देखिए पानी सूख चुका है, अब मैं इसे डिश में निकालूंगी और सर्व करेंगे दालचीनी के साथ। ये देखिए रेडी हो गया है हमारा हैदराबादी बघारा खाना, या फिर आप इसे कह सकते हैं प्लेन राइस पुलाव। इंजॉय करिए कुकिंग, खाइए इसे दालचीनी के साथ या चिकन के साथ आप इसे इंजॉय कर सकते हैं, या मटन की कोई भी रेसिपी के साथ, बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है। देखिए हैदराबादी फूड हब और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू।